अब हम एक नया खास दांव सीखेंगे। इसे झपट्टी बिल्ली कहते हैं बच्चों। देखो इसे ऐसे किया जाता है। चलो साले, अब तुम्हारी बारी। बहुत बढ़िया साले। ओबेद, अब तुम्हारी बारी। चलो आ जाओ। कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश की, पर तुम्हें अब भी प्रैक्टिस करनी होगी। मंसूर, अब तुम्हारी बारी। तुमने बढ़िया कोशिश की मंसूर, पर तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम झपटती बिल्ली कम और अंधी बिल्ली ज्यादा लग रहे थे मंसूर। मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा और फिर बन जाऊंगा एक लाजवाब बिल्ला। ओ हाँ, सुना मैंने तुम एक खूबसूरत बिल्ली हो। मेरी गैर मौजूदगी में इसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया शमा। मुझे खुशी है आंटी, प्रॉब्लम नहीं है। फलाफेल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बस इसे अकेला मत छोड़ना। ठीक है, समझ गई आंटी, मैं फलाफल का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये बहुत शांत है, इसे कूदना पसंद नहीं। ओ हाँ, फलाफेल की खास बात बताना भूल गई। वो सिर्फ केक खाती है। केक? ये केक ही खाती है? हाँ, पर सिर्फ केक। तुम डरो मत फलाफल, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। हाँ? नहीं नहीं फलाफल, रुक जाओ। नहीं फलाफल, फलाफल बस करो, तुम बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर हो। फलाफल? हाँ मंसूर, जब तुम रेडी हो जाओ, झपटती बिल्ली दाव को ट्राई करना। बहुत बढ़िया साले, अच्छी चाल थी। फलाफल यहाँ आओ, कहाँ जा रही हो? फलाफल, बहुत शरारती बिल्ली हो। चलो फलाफल, आओ अंदर वापस चलते हैं। चलो आ भी जाओ। हेलो शम्मा। फलाफल खो गई। हाँ? हाँ। फलाफल खो गई? मदद चाहिए? बिल्कुल, हम मदद करेंगे। क्या कहा, उससे फलाफल खो गया? कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाकर दुकान से नया फलाफल ला सकती है ना। खाने वाले फलाफल नहीं, उसकी आंटी की बिल्ली फलाफल घूम गई है। अब बात समझ आई, तो चलो दोस्तों शम्मा की मदद करते हैं। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सब बहुत अच्छे हो। मैं फलाफल को संभाल ही रही थी लेकिन वो भाग गई। घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। आखिरी बार तुमने कहाँ देखी थी? वो दीवार की दूसरी तरफ कूद गई थी। मेरे ख्याल से वही है, चलो चले। फलाफल, किसी को पेड़ पर चढ़ना होगा। मैं चढ़ता हूँ, बिल्लियों को मैं वैसे भी पसंद हूँ। ध्यान से, वो बहुत पंजे मारती है। ऐसी बात है, सालिम मुझे धक्का दो ना। हाँ? Oh!
नीचे आओ। उसकी मदद करो, जल्दी करो। ये बाल बाल बचे हैं ना? फलाफल नहीं। अब हम क्या करेंगे? चलो उसका पीछा करें। मुझे यकीन नहीं होता बिल्ली बस में घुस गई। दोस्तों मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बिल्ली एक ऑफिस में भी जा घुसी। दोस्तों मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बिल्ली लिफ्ट में भी घुस गई। मालूम है उबेद, मुझे भी यकीन नहीं होता कि ये बिल्ली हेलीकॉप्टर में घुस गई। शांत रहो। कैसे हो बच्चों? मेरा नाम अब्दुल्ला है। कोई प्रॉब्लम है? तुम ठीक तो हो ना? ये मेरी बिल्डिंग है बच्चों। माफ करना, पर मैं मेरी आंटी की बिल्ली फलाफल को ढूंढ रही थी। वो कहीं भाग गई, मुझे नहीं मिल रही। पूरे शहर में उसके पीछे घूमते रहे और वो सीधा यहाँ आ गई। ठीक है, और अब वो कहाँ पर है? वो वहाँ है उसमें। अच्छा, ये तो मेरा हेलीकॉप्टर है। तो फलाफल की सलामती के लिए अब मैं भी जिम्मेदार हूँ। उसे वापस ले आऊंगा। पर कैसे? आपका हेलीकॉप्टर तो उड़ गया। हाँ, मेरा काला वाला हेलीकॉप्टर तो उड़ गया, पर मेरा लाल वाला हेलीकॉप्टर अब भी यही है। कहा? हाँ? चलो तुम्हारे फलाफल को लाते हैं। बिल्ली का पीछा करो। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक पायलट से ऐसे बात करूंगा, वो भी फलाफल की वजह से। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 5 से बोल रहा हूँ। जरा देखो तो कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर में कोई बिल्ली है क्या? क्या तुम सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो वापस आ जाओ। आंटी जल्दी घर लौटने वाली होंगी। पता नहीं हम सही वक्त पर पहुंचेंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, कम इन। लैंड में चेंज है, हमारी डेस्टिनेशन बदल गई है। तुम हमारे पीछे आओ। ठीक है, आंटी के वापस आने में बस 5 मिनट ही बचे हैं। लगता है हमारी सारी कराटे ट्रेनिंग का फायदा हुआ। तुमने झपट मार के बिल्ली को पकड़ लिया। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। लेकिन अब मुझे जाना होगा, मेरा एक रेडियो पर इंटरव्यू है। मुझे जाना होगा। बाय बाय बच्चों। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अपनी आंटी के आने से पहले बिल्ली को घर ले जाओ। इसे भूख लगी होगी, इसके लिए केक लाना होगा। केक? मुझे नहीं लगता ये केक खाएगी। हाँ, पर ये अलग है। इसीलिए ये इतनी शरारती है, क्योंकि ये ढंग से खाना नहीं खा रही है। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। फलाफिल, मम्मा घर आ गई। तुमने मुझे मिस किया? शमा को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? फलाफिल के साथ सब ठीक रहा ना शमा? उसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं, बस इसने थोड़ी सी शरारत की आंटी। अब तो ये बिल्कुल ठीक लग रही है ना? देखो इसे। शायद इसलिए क्योंकि हमने इसे मछली खिलाई है, ना कि केक। पर इसे तो केक बहुत पसंद है। हाँ, बिल्ली केक से हेल्दी नहीं रहती,
और अगर आप बुरा ना माने तो फलाफल को देखिए, मछली खाने से ये कितनी खुश लग रही है। हाँ खुश तो लग रही है। ठीक है तो हो गया फैसला, आपसे केक बंद। ओके अब हम चलते हैं। इसका इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैंने अभी अभी रेडियो पर सुना, एक आदमी बता रहा था उसके हेलीकॉप्टर में बिल्ली बैठी हुई थी। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता ना फलाफल? दोस्तों जरा सोचो, आज जो हुआ अगर फलाफल आंटी को बताती तो उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता है ना। उबेद मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। घबराओ मत उबेद, मेरे डैड पायलट है, हम सब बिल्कुल सेफ रहेंगे। हेलो पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। खराब मौसम से हम गुजर रहे हैं, प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट बांध करके आप सेफ रहेंगे। सुना तुमने, मैंने कहा ना सेफ रहेंगे। हेलो पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। मौसम के और खराब हो जाने की वजह से हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। वाव, उस तूफान में क्या लैंडिंग किया आपने। शुक्रिया, उम्मीद है ज्यादा घबराई नहीं होगी। नहीं, प्लेन को रिपेयर होने में कुछ घंटे लगने वाले हैं, तो बच्चों तब तक तुम आइलैंड घुमाओ, पर सुनो ज्यादा दूर मत जाना। बिल्कुल नहीं जाएंगे। शुक्रिया पापा, थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ? वाह, देखो दोस्तों वहां पर जाकर झूला झूलते हैं। पहले तुम जाओ। तुम करो सालम। तुम्हारी बारी उबेद। नहीं नहीं शुक्रिया। चलो भी उबेद, डरो मत, तुम्हें बहुत मजा आएगा, ट्राई तो करो, अब आप ही जाओ। नहीं मैं यही ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर तुम झूलोगे नहीं तो तुम्हें तैरना पड़ेगा। हाँ? हाँ? चलो बेड साफ होकर आते हैं। ठीक है। ये फनी नहीं है। जानता हूँ बिल्कुल फनी नहीं है। पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा हादसे तुम्हारे साथ ही होते हैं। नहीं ऐसा ऐसा। हाँ? ओ, ओ। दोस्तों जल्दी आओ, तुम्हें
हमें ये देखना चाहिए। ओबेद मस्ती मत करो। मस्ती हा? नहीं कर रहा, पर यहाँ का नजारा कमाल है। चलो देखो तो सही। तुम ठीक हो नानो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मंसूर, चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है ये गुफा कहाँ तक जाएगी? क्या पता, पता लगाने का एक ही तरीका है, हमें खुद जाकर ढूंढना होगा। ये अच्छा आइडिया है, चलो हम तुम्हारे पीछे हैं। अरे वाह, देखो देखो। मंदिर के अंदर क्या क्या होगा तो पता करे। तुम्हारे बाद पहले तुम जाओ। वाओ, यकीन नहीं होता, यहाँ नीचे इतना सारा खजाना है। जल्दी छुपो छुपो। ठीक है, ये लोग कौन है? चलो जल्दी करो, हमें जाकर बाकी भी लाना है। मेरे ख्याल से ये लोग चोर हैं। ये वहाँ से सब कुछ चुरा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा, ये लोग गलत कर रहे हैं। पर हम इन्हें रोकेंगे कैसे? चलो मेरी मदद करो। उन्हें लगेगा ये मंदिर श्रापित है। काम नहीं बना। मेरे ख्याल से बेहतर होगा अगर हम वापस ही चले जाएं। क्या कहते हो? नहीं उबेद, हम नहीं जा सकते, वो चोर मंदिर का सारा खजाना लेकर भाग जाएंगे। अच्छा तो हम क्या करें? हाँ? तुम क्या कर रहे हो? यकीन है इससे वो डर जाएंगे। देखा तुमने, प्राचीन कीड़ा। सही कहा, ये तो बहुत शानदार होते हैं। यहाँ बैठो। हाँ? इससे भी काम नहीं बना, अब हम उन्हें कैसे रोकेंगे? नानो और इन मशालों से और बहुत सारी मिट्टी से। मिट्टी? हाँ भरोसा करो। क्या? ये क्या था? इस मंदिर में आने की किसकी हिम्मत हुई? ये सामान तुम्हारा नहीं है, इसे ले जाने की हिम्मत कैसे की? यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। सबने कमाल कर दिया, हमने मंदिर का खजाना बचा लिया। और ये चोर यहाँ वापस दोबारा कभी नहीं आएंगे। अच्छा अब हम प्लेन पर लौट सकते हैं, पहले साफ हो जाते हैं। मुझे जल्द से जल्द पापा को सब कुछ बताना है। तुम आ गए बच्चों, शुक्र है तुम सब सुरक्षित लौट आए। क्यों, क्या हुआ पापा? ये आर्कियोलॉजिस्ट है। क्या, आर्कियोलॉजिस्ट? हाँ बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट की जो टीम आई है उनके साथ बुरा हादसा हुआ है। हाँ? अच्छा हाँ,
ये यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिर गए थे। हमें लगता था कि वो एक कहानी है, पर ये तो सच निकली जैसा कहा गया था। हाँ, मंदिर में बहुत से खूबसूरत एंटीक्स थे जिन्हें म्यूजियम में होना चाहिए। हमारे पास लाइसेंस है जो इन्हें ले जाने की इजाज़त देता है एजुकेशन की खातिर। पर पता चला कि वो मंदिर सच में शापित है। हमने वहाँ अजीब से जीव देखे, वो भी तीन, एक उड़ने वाला छोटा जीव भी था। तीन अजीब से जीव, साथ में उड़ने वाला भी। बोलो बच्चों, क्या बोलना चाहोगे? जरा सी गलत फहमी हो गई है। एक बात कहूँ तुमसे, मैंने तुम तीनों जितने बहादुर आज तक नहीं देखे। शुक्रिया, आपको डराने के लिए माफी चाहते हैं। सोचो, मंदिर की मूर्तियाँ म्यूजियम इसलिए नहीं पहुँच पाई क्योंकि तीन बच्चे डरावने भूत बनकर ड्रामा कर रहे थे। बच्चों, हुमैद सुल्तान को जल्द ही ले आएगा, पर सुल्तान के साथ चीजों में अक्सर वक्त लग जाता है। क्यों डैड? सुल्तान ऑटिस्टिक है, जिसका मतलब वो हमसे थोड़ा अलग ढंग से देखता, सुनता और दुनिया को महसूस करता है। वो आम लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है। पर वो कैसे? वो ऐसे कि उसके लिए लोगों से मिलना जुलना और बात करना बहुत मुश्किल है। मैंने ऑटिस्टिक इंसान कभी नहीं देखा आज तक। हमें बड़ा मजा आएगा आज। क्या, माफ करना, पर क्या आपका बेटा भी आने वाला है? नहीं, सुल्तान को तुमसे जान पहचान करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। ओह, ये देखो, मैं उसके लिए कुछ लाया था। खिलौने, ये उसे पसंद है। अगर तुम चाहो तो इसके साथ पूल में खेल सकते हो। हो सकता है तब तक सुल्तान भी आ जाए। तुम लोग खेलो इसके साथ। मैं पहले खेलूंगा। नहीं, मैं खेलूंगा। उम्मीद है ये आइडिया काम आए और ये ऑटिस्टिक लड़का बाहर आए। उसका एक नाम है। क्या वो दिखने में हमारे जैसा होगा या वो कहीं वो हमसे अलग तो नहीं दिखता? फनी सा, अजीब सा। तुम्हें कुछ अजीब देखना है? पूल में जरा अपने आप को देख लो। उबेद, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। उसने तो तुम्हें देखा ही नहीं। सुल्तान हिलता तक नहीं है। देखा, बदतमीज कहीं का। वो बदतमीजी नहीं है उबेद, वो बस हमसे अलग है। वो बदतमीज है। मेरे ख्याल से हेलो का जवाब नहीं देना बदतमीजी है। मेरे ख्याल से किसी को यूं अपनी जबान दिखाना बदतमीजी है। तुम यही रुको। हेलो, तुम सुल्तान हो ना? मैं मंसूर हूँ। मेरे दोस्त के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, वो बुरा नहीं है। अरे वाह, ये तो मेरे पास भी है। नहीं, ओह माफ करना। रिमोट कंट्रोल बोर्ड से खेलना चाहोगे? मेरा एक रोबोट का नाम है नानो, देखो। कैसे हो सुल्तान? ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अगर खेलना चाहो तो हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? हाँ,
देखो तो ये बोट कितनी बढ़िया है। इससे खेलने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ। ओ। तुमने बोट तोड़ दी। हाँ? दोस्तों वो तो बोट को ठीक कर रहा है। अजीब लड़का है। नहीं, उसने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर लिखा है ऑटिस्टिक लोगों में अक्सर एक खास किस्म की दिलचस्पी होती है किसी खास सब्जेक्ट के लिए। मेरे ख्याल से सुल्तान का खास सब्जेक्ट बोट्स है। कमाल की बात है। हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, मेरी स्पीड बोट में किस किस को सवारी चाहिए? मुझे। नहीं बेटा, इसे तेज आवाजें पसंद नहीं है। और तुम तीनों लोग काफी शोर मचाते हो। ओ, माफ करना। तो ठीक है, चलो सैर पर चलें। लो, हम पहुंच गए। इसमें कौन कौन जाएगा? तेज जाओगे या धीरे? हमें तेज ले चलिए। कस के पकड़ो। मुझे तो बहुत मजा आ गया। और मेरी जान निकल गई। और अब तुम्हारी बारी। ओ। दोनों तैयार? बहुत मजा आ रहा है। शार्क। या शार्क से। डॉल्फिन्स। शुक्र है ये डॉल्फिन्स हैं। तुम तैयार हो? बिल्कुल। वो केबल, वो केबल। हाँ? मंसूर! ये ठीक नहीं हुआ, पर इससे बुरा और क्या हो सकता है? ओ नहीं! मैं बच गया। या शायद नहीं। नानो, मंसूर को ढूंढो जल्दी। हेलो मंसूर। नानो, शुक्र है तुम यहाँ आ गए। प्लीज बाकियों को मेरे कोऑर्डिनेट जल्दी के जल्दी भेज दो। हो गया, वो अभी तुम्हें लेने ही आते होंगे। उम्मीद है वो जल्दी आ जाए। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या यहाँ ऐसा होते रहता है? वो तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें जल्दी वापस लौटना चाहिए। घबराओ नहीं बेटा, हम लोग घर पहुँच जाएंगे।
ये तुम्हारे लिए, इसे पहनने के बाद तुम्हें शांति मिलेगी और आवाज भी नहीं होगी, ठीक है सुल्तान? रेडी, रेडी। जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अब हम क्या करेंगे? बहुत बढ़िया सुल्तान। मदद चाहिए, मदद चाहिए। ये क्या कह रहा है? वहां पर मदद चाहिए। वो रहे। आप सभी का दिल से शुक्रिया आज मुझे बचाने के लिए। आप बहुत बहादुर हैं। और खास कर तुम, शुक्रिया सुल्तान। माफ करना, मैं भूल गया था। खैर ठीक है, बाय एवरीबॉडी। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। अब हमें भी चलना चाहिए। अरे वाह, क्या दिन था। हाँ, शुक्रिया। तूफान की वजह से मजा खराब हो गया, पर खुशी की बात यह है कि सुल्तान के हुनर और समझदारी ने उन दोनों को बचा लिया। ओ, अपने हेडफोन्स ले जाना। कोई बात नहीं, ये हेडफोन सुल्तान रख सकता है। मेरे ख्याल से ये मुझसे ज्यादा उसके काम आएंगे। तुम बच्चे बहुत अच्छे हो, शुक्रिया। कोई बात नहीं, बाय बाय। बाय बाय सुल्तान। बच्चों, सुल्तान का कहना है तुम्हें दोबारा वापस आना होगा ताकि ये नए एडवेंचर पर जा सके। जरूर, बाय। फिर मिलेंगे। प्लीज आप साथ में रहे, सब ध्यान दे, ऐसी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? जी अली सर। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और आज हम जुरासिक एरा के फ्लोरा और फौना को देखने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो डायनासोर्स। बिल्कुल मंसूर, 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था। बच्चों, यहाँ एक नया एग्जीबिशन शुरू हुआ है, रोबोटिक डायनासोर्स का। क्या बात है, वो कौन से किस्म का है? टी-रेक्स, बिल्कुल असली लगता है। तो इंतजार किसका, चलो चले। देखो स्टेगोसॉरस, ये मेरा फेवरेट है। देखो यहाँ पर बच्चों, आप देख सकते हैं ट्राइसेराटॉप्स को। ये राइनो जैसा दिखता है। सही कहा, पर उससे ये 3 गुना बड़ा है। दिखने में खूंखार है पर वो हमेशा हरे पत्ते खाता है। हाँ, जैसे एक खूंखार गाय। सही कहा, उनका कवच ट्राइसेराटॉप्स को बहुत से शिकारियों से बचाते थे, पर हर किसी से नहीं। जैसे कि टीरेक्स। हाँ, टिरानोसोरस रेक्स टिरंट लिजर्ड्स का राजा है। चलो बच्चों, अब हम उसे देखते हैं। रोबोट टीरेक्स, चलो चले। बच्चों शोर नहीं। तो बच्चों, टायरानोसोरस रेक्स जुरासिक पीरियड का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव था और शायद इस दुनिया में आने वाला सबसे खूंखार शिकारी। ओ,
वो तो है। 12 मीटर लंबा और 60 टन से थोड़ा सा भारी। जब इसे भूख लगी हो तो इसके सामने मत आना। चलो अब इसे जगाएं। तैयार हो? लाजवाब। इनके कुछ दांत होते हैं करीब 5 इंच लंबे। इसकी पकड़ से कोई छूट नहीं पाता था। किस्मत से ये दांत रबर के बने हुए हैं। एक टीरेक्स कितनी तेज दौड़ सकता है? हम भी नहीं जानते, पर शायद ये सबसे तेज दौड़ता होगा। बच्चों, ये जानने के लिए हम इसके पैर देखेंगे। लगता है मुझे किसी टेक्नीशियन को बुलाना होगा। चलो बच्चों, जब तक ये ठीक होता है हम घूम के आएंगे। देखो ये क्या है? देखने में बिल्कुल असली है। हाँ, सिवाय ये खुले हिस्से के। हाँ, ये तो एक खुली तार है। हाँ, इसीलिए रोबोट काम नहीं कर रहा। रुको बच्चे, उसे छूना मत। पर अगर हम इसकी तार जोड़ दें तो ये काम करेगा। चलो पीछे जाओ। हाँ? मैं इसे देखता हूँ। बहुत आसान है, बस रंगों को एक साथ जोड़ना है। लाल तार को लाल से और नीली को नीली से। बेहतर होगा तुम चुप ही रहो, मुझे मालूम है क्या करना है। देखा, ये हो गया। अरे नहीं। ओ नहीं, अच्छा डायनासोर। तुम्हें 2 हफ्तों के लिए पनिशमेंट मिलेगी। अगर तुम बच गए तो। मंसूर, प्लान क्या है? मैं सोचते ही तुम्हें बता दूंगा। सारे भागो। वो बहुत तेज है। कुछ ज्यादा ही। हमें ऊपर से नजर रखनी होगी। जाओ उसे ढूंढो। बाग की तरफ चलो, जल्दी चले। सिग्नल लाल है, सिग्नल लाल है। मंसूर, यहाँ थोड़ी मदद चाहिए। हमें अभी उसे पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो किसी को चोट पहुंचाए। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, पर अगर हम उसे शहर में घुसने से नहीं रोकेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो चलो चले। मेरी मानोगे तो मुसीबत हो चुकी है। सुना तुमने, पुलिस भी आ रही है। इसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा दोस्तों। जरूर इसका कोई ऑफ का स्विच होगा। हाँ बिल्कुल। नानो, स्कैनिंग मोड शुरू करो प्लीज। हाँ।
देखो क्या स्विच उसके अंदर है दोस्तों। बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। मजाक कर रहा था, बुरा है। हमें इसके अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ आओ। सालम तुम इस तरफ से पकड़ो, उबेद तुम इस रस्सी के दूसरी तरफ को उस पेड़ के पास ले जाओ। पर प्लान क्या है? दोस्तों तुम बस यही रुकना, मैं उस डायनासोर को इस तरफ लेकर आऊँगा और जब मैं यहाँ से निकल जाऊँ तब रस्सी खींचना। ठीक है मंसूर, गुड लक। गुड लक। ओए, यहाँ देखो ट्रेन के डब्बे। क्या हाल कर दिया उसका? देखा ना इसने क्या किया मंसूर के साथ। मंसूर को वक्त क्यों लग रहा है? तुमने कर दिखाया। क्या दिखाया? मंसूर कहाँ है? हेलो, शुक्रिया। अब तुम बच्चों की खैर नहीं। मेरे ख्याल से खैर तो अब तुम्हारी नहीं होगी। उसने मेरे एक स्टूडेंट को खा लिया तुम्हारी छेड़छाड़ की वजह से। किस्मत अच्छी थी जो किसी को भी चोट नहीं पहुंची। बाद में दम है। मेरी मानो तो तुम इन बच्चों को शुक्रिया कहो जो इन्होंने तुम्हारा रोबोट रोक लिया। ये बच्चे हीरो हैं। मैं माफी चाहूंगा आपका। जब भी मन हो म्यूजियम में आ सकते हैं, वो भी फ्री में। मुझे एक फोटो लेनी है। अली सर क्लिक करेंगे। जाओ। नहीं नहीं, पहले तुम जाओ। उबेद, मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और चाहे जो हो जाए मैं बकरा नहीं बनने वाला। ना जाने कितना टाइम बचा है। हमें बस केमिस्ट्री क्लास तक रुकना होगा और फिर रिसेस के बाद क्लास फोटो का टाइम होगा। मुझे क्लास फोटो से नफरत है। ओह, मुझे भी। पर इस बार हमें अच्छी फोटो खिंचवानी होगी। अगर पिछले साल जैसा हुआ तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। मेरी मम्मी भी नाराज हो जाएगी। हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। इस बार साफ रहना ही होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि हम कॉरिडोर से कैसे जाएंगे। अच्छा चलो, जाना तो है ही। संभाल कर दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा कब वलीद आ जाएगा। ओ मंसूर, बड़े दिनों बाद मिले, ये पकड़ो।
ओबेद, मेरे कपड़ों पे लगा। कपड़े पर नहीं, चेहरे पर। चेहरे पर? मेरे चेहरे पर? ओ, मेरे चेहरे पर, बस चेहरे पर है, बस चेहरे पर है। हमारे चेहरे पर, चेहरे पर है। पर ये क्या? निकालो, निकालो इसे, निकालो। घबराओ मत, जैसे मैंने समझाया था, मैंने अपनी नई यूवी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन बना ली है, जिससे हम सभी को विटामिन डी मिलता है। इसीलिए ये हमारे स्किन के लिए अच्छी है। सच में कितनी अच्छी खुशबू है। क्या थोड़ी मिल सकती है सर? एक बार इसके टेस्ट हो जाने दो, फिर तुम थोड़ी ले लेना। कितनी अच्छी खुशबू है, मुझे थोड़ी मिल सकती है क्या सर? हैं? सही कहा ना? नहीं। मैं क्या बताऊं? तुम बताओ। नहीं, तुम अपनी बताओ। क्या? बहुत शुक्रिया बच्चों, अब हम जानने वाले हैं विटामिन डी के बारे में एक जरूरी लेसन। हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि विटामिन डी याददाश्त बढ़ाता है। तुम्हारे बाद। ओहो, फिर से? या तो फिर हम यहीं रुककर अली सर की उनके एक्सपेरिमेंट में मदद कर ले। तुम ब्रेक के बाद आकर मेरी पैकेजिंग में मदद कर सकते हो। आगे बढ़ो। हाँ? कितने गंद है। स्कूल का कॉरिडोर ऐसा ही तो दिखता है। उफ, जब हम साफ रहने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आसपास इतना गंद क्यों होता है? हमें बल्कि रुककर इंतजार करना होगा। हाँ, फुटबॉल भी नहीं खेल सकते। हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। हाँ। मुझे स्कूल फोटो डे से नफरत है। और अब टाइम हो गया है फोटो खिंचवाने का। सबसे पहले हम सोलो फोटोज खिंचवाएंगे, उसके बाद क्लास फोटो। सभी बच्चे अंदर आए लेकिन एक लाइन में। उफ, आखिरकार। शुरू करते हैं। आपका नाम लेते ही आपको आना है फोटोग्राफर के रूम में जल्द से जल्द। तो सबसे पहले अहमद ओसामा, अहमद हुसैन, अहमद जमाल, अहमद उमेर, अहमद आमिर, अहमद गालिब। इसमें तो वक्त लगने वाला है। चलो अली सर के पास चलते हैं। ये लो, वो तो चले गए। अजीब है, अली सर कभी भी अपना एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, और ना ही बिना निगरानी के लैब को। कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना ही होगा। दोस्तों, हमें चुपचाप चलकर अपनी फोटो खिंचवानी चाहिए। उसमें वक्त है, चलो। वो देखो, वो रहे। हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे अली सर। ये क्या? मेरे ख्याल से आपके चेहरे पर। ओह हाँ, लगता है क्रीम के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। पर कोई बात नहीं, ये चले जाएंगे। या ना जाए। पर उस क्रीम ने आपका ये हाल कर दिया, तो इसका मतलब यही हाल होगा। क्या? नहीं, क्या सच में? नहीं 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 नहीं, पर मेरी फोटो 10 मिनट में खींचेंगे। जासिम, जासिम अब्दुल्ला। दरअसल उससे भी कम टाइम है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। मैंने कैलकुलेट किया है, पर मुझे चाहिए अब एक क्रीम, ताकि मैं उसे डाइल्यूट कर सकूं, और उसे लगाते ही असर दिखा देगी। तो आपका मतलब आपके पास वो क्रीम नहीं है? नहीं, वो लैब में छूट गया। क्या तुम उन्हें बताओगे, मैं बता दूं?
क्रीम तो वहाँ नहीं है, तो ढूंढो उसे और जल्दी। कहाँ से शुरू करें? खलील अहमद। हेलो दोस्तों, तुमने अली सर की क्रीम देखी है? वो मिल नहीं रही। क्या? कौन सी क्रीम? वही क्रीम जो उन्होंने केमिस्ट्री लैब में दिखाई थी। तुम्हें याद है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वही क्रीम जिसकी खुशबू अच्छी थी। मुझे याद आया, मुझे वो क्रीम अच्छी लगी थी। नहीं नहीं, वो क्रीम गायब है। तुम्हारे पास है? हमारे पास? हाँ, तुम्हारे पास। नहीं, हमारे पास नहीं है। हाँ, कुछ भी तो नहीं है। ये क्रीम, अब मुझे याद आया, बहुत अच्छी खुशबू है। हाँ, और बहुत सारा विटामिन डी भी, याददाश्त के लिए भी अच्छा है। है ना? हाँ, पर असल में ये क्रीम उस मामले में मदद नहीं करेगी, और सूरज की रोशनी। शुक्रिया क्रीम लौटाने के लिए दोस्तों, क्या अब हम जा सकते हैं? राशिद अहमद, रशीद, तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए जाकर धूप सेकनी चाहिए। इसका वजन 1.98 ग्राम्स है। तो अब कोई आइडिया नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। उबैद, मेरी बारी आ गई, अब मैं क्या करूंगा? आप कुछ कर नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, बहुत कोशिश की कि मैं फोटो में अच्छा देखूं, पर सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आ जाती हैं दोस्तों? मेरी मानो तो उतना बुरा नहीं है। हाँ, कम से कम तुम साफ तो हो, ऑरेंज पर साफ हो। हाँ, तुम तो आसानी से कह सकते हो, तुम्हें थोड़ी ना मेरी तरह क्लास फोटो में ऑरेंज कलर का दिखना पड़ेगा आज। मिल गया आइडिया। उबैद, मंसूर माफ करना, मैं फिसल गया। सच बता रहा हूँ, अगर ये ट्रेजर्स ऑफ द डेजर्ट होता तो अभी तक हमारी बैंड बच चुकी होती। ट्रेजर्स ऑफ द डेजर्ट, इसका पार्ट 2 आज लॉन्च होने वाला है, और यहीं कहीं शहर के किसी कोने में 3 फ्री कॉपीज हमारे इंतजार कर रही हैं। हमें निकलना ही होगा, हमें 9 बजे तक मॉल पहुँचना ही होगा दोस्तों। बस एक सवाल, क्या तुम ये बता सकते हो कि हमें खिड़की से क्यों कूदना पड़ा? क्योंकि हम प्राचीन बगदाद शहर के महान ट्रेजर हंटर्स हैं। हाँ, और ट्रेजर हंटर्स कभी सामने से नहीं आते हैं। ठीक है, हम ट्रेजर हंटर्स हैं। ओह, मैं ठीक हूँ। ये तो अभी बंद है। क्या तुम यहाँ ट्रेजर हंट के लिए आए हो? हेलो, तुम्हारे पास कोई क्लू है? कोई नक्शा या कुछ और होगा? नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है, ये सब टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट? यानी कि तुम भी नहीं जानते गेम्स कहाँ पड़ी हैं? जानता हूँ, रुको,
तुम्हें इन कोड्स की जरूरत है अपने फोन को इस गेम से रजिस्टर करने के लिए। गेम? हाँ, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। एक बार तुम लोग रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद वो लोग तुम्हें क्लूज भेज देंगे और हर एक क्लू के साथ तुम जीत के करीब आते जाओगे। क्या बात है, अब हम ट्रेजर हंटर्स बन जाएंगे दोस्तों। सही कहा। पोलारिस के पीछे जाओ, महान ईगल की ओर। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? जैसा मैंने कहा, ये एक टॉप सीक्रेट है। गुड लक। मुझे यकीन है पोलारिस जरूर एक स्टार है। नॉर्थ स्टार होगा। दादाजी कहते हैं कि सेलर्स उसी की मदद से समुद्र का रास्ता तय करते हैं। महान ईगल का क्या, वो भी स्टार है? पता नहीं। अच्छा, तो चलो नॉर्थ को चलते हैं और देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे। हाँ, अच्छा प्लान है उबेद। बाय बाय, मिलते हैं। तुम्हें यकीन है हम सही दिशा में हैं? हमें तो नॉर्थ की तरफ जाना है, पर हम तो ढलान पर आ गए। हाँ, ज्योग्राफी जीनियस जो हो तुम। देखो, सूरज राइट साइड पर है और वो हमेशा ईस्ट में उगता है, समझे? ठीक है, आखिरकार मैं हूँ तो एक ट्रेजर हंटर ही, कोई सेलर नहीं। पर मैं बर्ड ढूंढ चुका हूँ, देखो। वाह, महान ईगल, यही तो ढूंढना था। ये मेरी मॉम का स्कल्पचर है। चलो चले। चलो। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, क्या बात है, मेरे ख्याल से ये ऐप जरूर हमारे फोन के जीपीएस से लिंक्ड है लोकेशन के लिए। क्लू सुलझाने पर इसे पता चल जाएगा। ईगल समझदार है, उससे तुम सवाल करोगे तो वो तुम्हें सही रास्ता दिखा देगा। क्या जाने बड़ा तो? हाँ, तारक। यकीन नहीं होता तुम यहाँ तक आ गए। शायद ये जितना दिखते हैं उससे स्मार्ट है, एक आध ब्रेन सेल तो होगा ही। ये स्मार्ट नहीं है, इसने हमारा पीछा किया। क्यों है ना जमाल? हाँ, सही कहा, हम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है मंसूर। और अगर तुम इतने ही स्मार्ट हो तो तुम हमें गेम का अगला क्लू क्यों नहीं दे देते मंसूर? अभी तक सुलझाया नहीं है। क्लू में ये लिखा है कि सवाल करोगे रास्ता दिखाएगा, हमें स्कल्पचर से पूछना होगा। आगे बढ़ो बेद। ओ समझदार ईगल, प्लीज आप हमें सही रास्ता दिखाएं। देखो जरा। उबेद एक स्टैचू से बात कर रहा है। ओ उबेद, तुम कमाल के हो, मिल गया। ये सब क्या बकवास है? दाखत अजर औलुम दखलम अलना बिजवी। ये कौन सी भाषा है? ये कोई भाषा नहीं है, एक कोड है, उल्लू बनाया। चलो मॉल चले। बिल्कुल, इन्होंने अक्षर घुमा फिरा दिए हैं। यानी कि हम यहाँ बेवकूफ बन गए। बहुत शुक्रिया सालिम, बाद में मिलते हैं। बाय बेवकूफो। दोस्तों चलो, उन्हें पकड़ना है। रुको, घाई मत करो। देखो, मैंने उन्हें बस आधा ही मैसेज दिया है, बाकी का मैसेज है साइड एंट्रेंस। बहुत अच्छा किया सालिम। ठीक है, हमें ऐसे ही रहना होगा, वरना सारे बच्चे पीछे आ जाएंगे। हे मंसूर, क्लू सॉल्व करने के लिए शुक्रिया, पर माफ करना कि हम अपना प्राइस तुम लूजर्स के साथ कभी नहीं बांटने वाले। हाँ, तुमने हमें हरा दिया, हम हार मानते हैं। चलो चलो दोस्तों, जल्दी। ये तो बंद है। सालिम, क्या तुमने क्लू ठीक से पढ़ा था? जो ट्रेजर तुम ढूंढ रहे हो पैरों के नीचे ही है। पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे है। क्या पैर? कहीं ये कुर्सी के पैर तो नहीं? सोचो बेद, सोचो सोचो। कहीं हमारे पैर ही तो नहीं है? चाबी। जल्दी करो, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता। अब तो हम ही जीतेंगे। ये जाल है। मदद करो, मुझे अंधेरे वाले गेम पसंद नहीं है दोस्तों। रुक जाओ, यहाँ एक लाइट का स्विच है।
पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ तो बस सामान पड़ा हुआ है। ओ, क्या बात है? गेम्स है कहाँ? हमें कितनी देर से कोई मैसेज ही नहीं आया। ये मंसूर कहाँ है? किसी ने इस गेम के लिए काफी तकलीफ उठाई है। तुम्हें लगता है ये पक्का कोई गेम ही है ना? जलसूरा में आपका स्वागत है, खजाने को आपका इंतजार है। ये थोड़ा डरावना लग रहा है। अब क्या, और वैसे ये जलसूरा कहाँ है? यहाँ काफी अंधेरा है दोस्तों, कुछ दिख नहीं रहा। लो इससे जला लो। ओ, नहीं। अबेद, अब उसे हाथ लगाना बंद करोगे तुम? माफ करना। यहाँ तो एक असली संदूक है दोस्तों। हाँ, ये तो चलती भी नहीं है। एक सेकंड, मुझे देखने दो। ये तो एक ब्लैक लाइट है। हाँ? ब्लैक लाइट क्या है? एक ब्लैक लाइट ऐसे कलर दिखा सकती है जो एक आम लाइट में कभी नहीं दिखता। चलो इसका इस्तेमाल करें। देखो, एक खुफिया मैसेज है। ये रास्ता खसाने की ओर जाएगा। इसका तो कोई हैंडल ही नहीं है। अब क्या करें? यहाँ पर लिखा है कि ये खजाने का रास्ता है, तो जरूर हम अंदर जा सकते हैं। और निकलने का रास्ता वो तो एक ही है जिससे हम आए थे। यहाँ लिखा है ये रास्ता, और देखो रास्ता को अंडरलाइन भी किया है दोस्तों। अरे बाप रे! मंसूर, तुमने ये क्या किया? पता नहीं। ये सब नकली है, देखो। रबर का बना हुआ है। सच में, देखो। And cut. जरजुरा में तुम्हारा स्वागत है, हमें बहुत खुशी है कि तुम आ गए। हाँ, जरजुरा नए गेम स्टोर का यही नाम है। जीत गए। हम जीत गए। आप हमारे पहले ऑफिशियल कस्टमर्स हैं। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, क्या बात है, कितनी सारी चीजें हैं। सच में ये तो शॉपिंग करने से भी ज्यादा मजेदार निकला दोस्तों। दोस्तों देखो, तारिक, जमाल और जमील। तुम लोग ढूंढते रहो, मुझे यकीन है कि मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जरूर मिल जाएगा। Ha 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 ha!